खेलो और आगे बढ़ो और ऊंची उड़ान उड़ो, लेकिन खेलकूद के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी पूरा करना है। दरअसल ये बातें वक्ताओं ने कही जो आज दक्षिण कोलकाता के विवेकानंद पार्क मेनलैंड संबारण क्रिकेट एनक्लेव में खेल फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक इंटर स्टेट विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप खेल फाउंडेशन दीपेंद्र रुद्रा मेमोरियल चैलेंज ट्रॉफी के नाम से किया गया, जिसमें स्टेट लेवल की कई विमेन्स टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में वक्ताओं ने लड़कियों से कहा कि खेल के साथ साथ एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियों ने अपने खेल के माध्यम से नाम कमा लिया है, लेकिन उन्हें जब स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी देने की बात की जाती है तो वो उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि उनमें ज्यादातर लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी होती हैं और एजुकेशन पूरी नहीं होने के कारण ये सरकारी जॉब से वंचित हो जाती हैं। आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर खेल फाउंडेशन की ओर से विवेक मेहरा, मजर अली, एडवोकेट रबीउद्दीन अहमद, अशरद बेग, शब्बीर लोदगार, शशि कपूर, दिलीप सेन और अकरम हुसैन वगैरह मौजूद थे। आपको बता दें कि खेल फाउंडेशन दरअसल एक्स प्लेयर का एक ऐसा संगठन है जो पिछले 2-3 सालों से खेल को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश कर रहा है और किसी भी उभरते हुए प्लेयर को आर्थिक मदद भी देता है। ये खेल फाउंडेशन का ये जो टूर्नामेंट है ये इकलौता टूर्नामेंट नहीं है। खेल फाउंडेशन का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट और एम्स है कि लगातार इवेंट्स, स्पोर्ट्स का इवेंट्स को हम लोग यहाँ पे लेके आए, और ये स्पोर्ट्स का इवेंट हम लोग सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं, मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से छोड़ के हम लोग वॉलीबॉल, हम लोग बास्केटबॉल, हम लोग टेनिस, कई सारा नेशनल और लोकल इवेंट्स हम लोग करा चुके हैं सक्सेसफुली, जिसमें अक्रॉस दी कंट्री से पार्टिसिपेशन हुआ है। उद्देश्य ये है कि नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप वेस्ट बंगाल में बढ़े, और इसी को लेके हमने विवेक भाई, दिलीप जी, अरशद बेग, शब्बीर, मजहर अली, बबलू भाई, एवरीबॉडी टुगेदर हम लोग ने काफ़ी सारा मीटिंग करके ये चीज़ को हम लोग ने खड़ा किया है। एंड स्पेशली यहाँ पे जो भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन से लग के है ये सब एक्स स्पोर्ट्समैन से, तो आसानी होता है कि हम लोग को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है कि हम लोग को और देना चाहिए, जो हम लोग सफ़र किए वो वाला चीज़ को वापस लेके आने के लिए। सो बेसिकली विवेक भाई ने आपको बताया होगा कि और भी सारे स्कॉलरशिप का एम्स एंड ऑब्जेक्ट हम लोग का है, और काफ़ी लैंड लेने का भी बात चल रहा है जहाँ पे एक एकेडमी हम लोग कर सके, तो ये सब चीज़ है और पाइपलाइंस में है, मगर अभी जो चाहिए हम लोग को वो है इवेंट्स, स्पोर्ट्स का इवेंट्स जितना हो सके। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन में है कि हर एक सीज़न में एक स्पोर्ट्स होता है, और ये हम लोग के लिए क्रिकेट का सीज़न काफ़ी छोटा होता है, फुटबॉल का सीज़न थोड़ा बड़ा होता है, और भी सब इवेंट्स है जो इंडोर है वो हो जाता है, जो आउटडोर इवेंट्स है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ को देख के हम लोग का नंबर ऑफ इवेंट्स हमेशा कम रहा है वेस्ट बंगाल में, हालांकि दूसरा आउटडोर इवेंट जो होता है हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से वहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, तो वहाँ के 150 के मुकाबले यहाँ पे 80 इवेंट्स नहीं होता है। तो यही एक इरादा है कि नंबर ऑफ इवेंट्स हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी करा सके, और ये हर एक स्पोर्ट्स एरेना में हो, नॉट ओनली क्रिकेट, फुटबॉल और मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स। देखिए वुमेन्स क्रिकेट तो अभी ऐसा है कि वुमेन्स को लाने के लिए एम्पावरमेंट बोलिए या वुमेन को इक्वलिटी के लिए बोलिए, जो भी है, वुमेन को सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ाना नहीं है, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाना है। तो बेसिकली हम लोग ने अभी तक जो भी इवेंट किए हुए हैं उसमें से दो, एक नेशनल इवेंट और एक स्टेट लेवल इवेंट, ये वाला इवेंट जिसको हम लोग क्रिकेट में हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये दो इवेंट हम लोग का इतना सक्सेसफुल हुआ है कि अक्रॉस द स्टेट से पार्टिसिपेशन हुआ है। सो आई थिंक द वुमेन्स आर रियली कमिंग अप, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, उन लोग स्पोर्ट्स में भी आगे उठ के आ रहे हैं, तो दिस इज द एक्चुअल सक्सेस ऑफ खेल फाउंडेशन। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुभ्रा दी का था कि आजकल वुमेन्स क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए शुभ्रा दी ने हम लोग को ऑफर किया कि खेल फाउंडेशन आ सकता, कि हम लोगों ने इमीडिएट रिस्पॉन्स था कि हम लोग वुमेन्स क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए हम लोग हैं आपके साथ, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ, यहाँ यंग टैलेंट्स और इंस्पायरिंग प्लेयर्स को हम लोग ने देखा, और फ्यूचर में होप करेंगे कि वो लोग और अच्छा खेलें स्टेट के लिए और अपने कंट्री के लिए। मैसेज ये है कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि जितना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा उतने मैचेस से बच्चे इम्प्रूव करेंगे, प्लेयर्स इम्प्रूव करेंगे, अल्टीमेट मैच है, प्रैक्टिस नहीं, तो मैच जितना खेलेंगे मैचेस से सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, यही मैसेज दूंगा, प्ले मैचेस एंड ट्राई टू बी ए स्पोर्ट्स। हाँ, टफ था आज का दिन, आज का दिन बहुत सस्पेंस में था, हम लोग कल से ही वरीड थे रात से,
कि क्या होगा, कल फाइनल है, हम लोग की मेहनत बेकार ना चली जाए। नहीं, ऊपर वाला ना हम लोग की सुन ली, 90% मैच हो चुका था, फिर बारिश हुई, फिर 10% मैच के लिए फिर बारिश हुई की, तो ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है कि ये मैच हुआ, टूर्नामेंट अच्छे से ख़त्म हुआ। बहुत थैंक यू। हम 3 साल पहले से इस खेल फाउंडेशन का जन्म हुआ है, हम कुछ एक्स प्लेयर्स खेल फाउंडेशन हमने बनाया उसको, खेल फाउंडेशन को, और खेल फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो हम अपकमिंग प्लेयर्स को हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो हमने सोसाइटी से पाया है वो हम उसको वापस देना चाहते हैं। तो ये हम सब प्लेयर्स मिल के इस एक ऑर्गेनाइजेशन को बुलाए बनाए हैं, जिसमें हम अंडर 15 के बच्चे ज़्यादा जो अपकमिंग है, अलग अलग, ये नहीं है कि हम क्रिकेट को खाली देख रहे हैं, हमने बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस का टूर्नामेंट में भाग लिया है, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में तो अब हम कर ही रहे हैं। देखिए, यंग टैलेंट जो हमारे यहाँ हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनको किट की ज़रूरत है, जो स्कूल की फ़ीस है, हमारे पास कुछ, हमने कैंप में कम से कम 10-12 बच्चे को हम स्पॉन्सर करते हैं हर महीने में, उनको उनके ट्रेनिंग का जो पैसे हैं वो हम देते हैं और स्कूल की फ़ीस देते हैं। हमने एक विद्यापद बोल के स्कूल का स्पोर्ट्स को हमने गोद भी लिया है, अडॉप्ट किया हुआ है, जिसको हम देखते हैं, उनके सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो हम देख रहे हैं। 2 साल पहले तक जो अभी हम स्टैंडर्ड देख रहे हैं वो बहुत हद तक बहुत ऊपर चला गया, ये 2 साल पहले ऐसा स्टैंडर्ड था नहीं, अब और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, और आपके क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनको ले के हो रहे हैं, ये वुमेन का एक जो होना चाहिए वो उनको मिल रहा है, उनको फिटनेस की तरफ उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है विद इन 3-4 साल के अंदर मेंस क्रिकेट को एक कॉम्पिटिशन ये वुमेंस क्रिकेट भी देगी। हमारा स्टेप खेल फाउंडेशन का आने वाले दिनों में हमने ये सोच के रखा हुआ है कि जितने यंगस्टर्स हैं, जितने बच्चे हैं अंडर 15 के, हमने जैसे शुभ्रा दी को भी बोला है कि अंडर 15 में कोई बच्चा है जिसके पास मतलब कि खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जब वो और ऊपर खेलना चाहते हैं तो हम उसको उनको स्पॉन्सर करेंगे, उनको देखेंगे हम, वो हमारी तरफ से। अभी हमने नेताजी का एक आश्रम है जिसमें अनाथ बच्चे 130 हैं, हमने वहाँ में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अब चालू करवाने की, मतलब वहाँ अपना प्रस्ताव रखा है, वो भी हमारे को लगता है कि थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगा।